दोस्तों आज मैं आपको वेरिकोज नसों को घर पे हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके लिए पांच रामबाण उपाय बताऊंगी। साथ साथ ये भी बताऊंगी कि वेरिकोज नसों के लिए आप कौन सा तेल लगाएं जिससे आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा मिले। दोस्तों वेरिकोज नसों ज़्यादातर यही होता है कि जब ज़्यादातर लोग खड़े रहते हैं बहुत देर तक या बहुत देर तक बैठे रहते हैं, बॉडी में एक्टिविटीज़ कम होती है तो उनके पैरों के नसों में खून के थक्के जमने लगते हैं तो वहाँ की नसें उभरी हुई दिखाई देती है जिसे हम वेरिकोज नसों के नाम से जानते हैं। दोस्तों वेरिकोज नसों को हम आसानी से घर पे ठीक कर सकते हैं उसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। जैसे आप मॉर्निंग वॉक जरूर करें, कम से कम आधे घंटे अगर आप चलते हैं पैरों के तो आप देखेंगे कि आपकी जो नसों में दर्द होता है वो नहीं होता। आपने खुद ही देखा होगा कि जब आप लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं तो नसों में ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन कुछ दूरी पर अगर आप चल लेते हैं तो आप देखते हैं नसों में आपको आराम मिलता है। तो इसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट होता है आप मॉर्निंग वॉक जरूर किया करिए, थोड़ा सा आप चलने की कोशिश करिए। जब चलेंगे आप धीरे धीरे चलिए, आधे घंटे अगर आप चलते हैं डेली तो आपके नसों में बहुत आराम मिलता है। तो चलिए मैं आपको घरेलू उपचार बताती हूँ। सबसे पहला जो उपचार है दोस्तों सेब का सिरका। सेब का सिरका जो होता है वेरिकोज नसों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। आपको लेना एक गिलास गुनगुना पानी, इसमें डालिए एक चम्मच सेब का सिरका और एक चम्मच नींबू के रस के साथ उसे सुबह सुबह पीना स्टार्ट करिए। कुछ ही दिन पियेंगे आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो उपचार है दोस्तों ये भी बहुत इफेक्टिव है जिसे हम कहते हैं प्याज का रस। प्याज का रस जो होता है नसों को खोलने का काम करता है और खून का जो दबाव होता है उसको पतला करता है, खून को पतला करने का काम करता है जिससे कि जो नसों में थक्के जम जाते हैं उनको वो पूरी तरह से ढीला करता है। तो प्याज का रस लीजिए 100 ml, आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल के रोज़ सुबह खाली पेट पीना स्टार्ट करिए, आपको वेरिकोज नसों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और प्याज का रस बहुत इफेक्टिव है दोस्तों, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट इसमें जो तीसरा उपचार बताने जा रही हूँ इसे कहते हैं ग्वार पाठा, जिसे एलोवेरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों वेरिकोज नसों को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव चीज होता है। इसके भी रस निकालिए, आप ताजा ग्वार पाठा लीजिए, इसके रस को निकालिए, घर में ही जूस बनाइए और एक छोटा ग्लास इसका जूस लीजिए, उसमें नींबू का रस आधा चम्मच मिला के अगर आप इसे पीते हैं रोज सुबह सुबह तो आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। अगर सुबह आप इसे नहीं पीना चाहते तो ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद रोज सुबह पिया करिए, आपको इससे बहुत इफेक्ट मिलेगा। और इस जूस को आप चाहें तो दिन में 2 बार पी सकते हैं, एक बार सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट करने के बाद और फिर शाम के टाइम पे अगर आप चाहें तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप इस तरह से ग्वार पाठा का सेवन करें और इसमें नींबू का रस मिलाएं, इसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ग्वार पाठा का जो जेल होता है उसको भी नसों पे लगाने से अगर आप इसे धीरे धीरे मालिश करते हैं तो उससे भी आपके दर्द में बहुत आराम मिलता है। तो ग्वार पाठा को खा पीने में भी और इसे लगाने में भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए मैं बताती हूँ इसके लिए तेल। तेल बहुत इफेक्टिव होता है, तेल कैसे बना सकते हैं वेरिकोज नसों को ही पूरी तरह से ठीक करता है। दोस्तों लेना आपको सरसों का तेल, 1 कटोरी सरसों का तेल लीजिए, इसमें पूरा 1 खड़ा लहसुन लीजिए, उसको फाइन सा चॉप करके तेल के अंदर इसे अच्छे से जला लीजिए, यानी इसे अच्छे से पका लीजिए। जब ये लाइट ब्राउन कलर का हो जाए तो इसे अच्छे से तेल के अंदर मिक्स कर लीजिए, इसे किसी स्पून के हेल्प से इसे दबा दबा के मिक्स कर लीजिए। फिर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच अगर अजवाइन भी डाल दें तो और इफेक्टिव होगा, अजवाइन भी डाल दीजिए और लहसुन, इन दोनों को अच्छे से पका के इसे छान के इस तेल को आप किसी भी शीशी में रख लीजिए। और फिर दोस्तों इस तेल को हल्का गुनगुना आप दिन में 2 से 3 बार मालिश किया करिए, उंगलियों की हेल्प से, आप जो उंगलियों का पोर होता है उसकी हेल्प से धीरे धीरे नसों पर अगर मालिश करते हैं दिन में 3 बार तो आप देखेंगे आपकी नसों में जो दर्द होता है वो भी आराम हो जाएगा। धीरे धीरे जो गुच्छे बने रहते हैं, जो सूजन रहती है वो भी ठीक हो जाती है और वेरिकोज नसों से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा चीज़ इसी लहसुन से दोस्तों, लहसुन जो होता है वेरिकोज नसों के लिए किसी रामबाण दवा से कम नहीं होता है। 2 कली लहसुन सुबह सुबह अगर बासी मुँह चबा के आप खाते हैं, नहीं खा पाते तो इसे कद्दूकस कर लीजिए, ग्लास में रात में ही उसको ढक के रख दीजिए और सुबह के टाइम पे पूरा अर्क लहसुन का पानी के अंदर आ जाता है, उसे आप पीजिए। और इस लहसुन को पीस के इसके पेस्ट को जो नसें होती हैं उस पर एक लेप के जैसा आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ दीजिए, फिर आप इसे किसी भी सादे पानी से वॉश कर लीजिए। अगर इस तरह से लहसुन का 3 तरह से प्रयोग करते हैं तो वेरिकोज नसों में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। नेक्स्ट उपचार, 5वां जो उपचार बताने जा रहे हैं दोस्तों, शीशम का पत्ता होता है। शीशम के पत्ते को आप हल्का सा पानी डाल के इसे पेस्ट फॉर्म में बदल लीजिए और इस पेस्ट को जहाँ पे भी नसें आपकी सूजी हुई है वेरिकोज नसों पे अगर आप इसको लगाते हैं, आधे घंटे लगा के छोड़ दीजिए सुबह में और रात के टाइम पे भी, और फिर इसके गुनगुने पानी से हल्का सा इसको वॉश करके आप साफ़ कर लीजिए। ऐसा करने से शीशम के पत्ते इतने इफेक्टिव होते हैं कि वेरिकोज नसों के जो गुच्छे होते हैं उनको पूरी तरह से खोलने का काम करते, दर्द में भी आराम देता है। तो आप इस तरह से इस 5 उपचार को करिए दोस्तों, बहुत इफेक्टिव है। और लहसुन का जो हमने बताया है 3ों प्रयोग जरूर करिएगा। आपको लहसुन जो होता है वेरिकोज नसों के पेशेंटों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसे खाने में, लगाने में, आप इसका तेल भी जिस तरह बताया है इसका पेस्ट भी, आप ये 3ों चीज़ ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आज आपको 5 उपचार बताया, लेकिन इसके अलावा दोस्तों आपको करना क्या है, कुछ खाने पीने की भी चीज़ें होती हैं जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं और फाइबर से रिच फूड होते हैं, इन सारी चीज़ों
को आपको खाना चाहिए। इसमें शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। शिमला मिर्च लीजिए, इसको सलाद के फॉर्म में आप काटिए प्याज के साथ और इसे खाइए। और सिरका, सिरका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप इसमें जामुन का सिरका या गन्ने का सिरका, उसमें थोड़ा सा प्याज काट के ज़रूर खाया करिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये वैरिकोज नसों के लिए, इनके नसों को खोलने का काम करता है। तो आप इस तरह से उपयोग करिए। और सबसे ज़रूरी है टहलना, आप मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए। कुछ ही दिन टहलेंगे आप देखेंगे आपके पैरों में जान आने लगेगी, वैरिकोज नसें पूरी तरह खुलने लगेंगी। फिर आप इसको दौड़ दौड़ के भी आप मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इन उपायों को करिए, साथ साथ जो चीज़ें बताई गई है इसे आप करिए, जिससे आपकी वैरिकोज नसें पूरी तरह से घर बैठे ही ठीक हो जाएं, बिना किसी दवा के, बिना ऑपरेशन के। तो आप इस तरह से इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और 15 मिनट का आपको प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। प्राणायाम में कपालभाति आप करिए, अनुलोम विलोम करिए, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चले। और जब ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़िया से चलेगा तो आपकी परेशानी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। किसी नई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि वैरिकोज नसों में क्या खाएं, क्या ना खाएं और ऐसा क्या करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।